पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1-to-1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1-to-1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1-to-1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने तीन शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.